नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर के धामपुर की, जहां प्रियंका मॉडर्न स्कूल में भारतीय जनता पार्टी के 9 साल पूरे होने पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय महामंत्री राज्यसभा सांसद अरुण सिंह एवं विशिष्ट अतिथि सांसद दिल्ली रमेश भिदुड़ी रहे। कार्यक्रम का संचालन भूमि विकास बैंक के डायरेक्टर महेंद्र धनौरिया ने किया। कार्यक्रम में विधायक अशोक कुमार राणा एवं जिला सहकारी बैंक के डायरेक्टर प्रियंका राणा द्वारा मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि का बुके भेंट कर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। साथ ही पूर्व सांसद डॉक्टर यशवंत सिंह द्वारा अतिथियों का बुके भेंट कर एवं चक्र भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बुके भेंट कर एवं उपहार भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों का फूलों का हार पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में आए अतिथियों को विधायक अशोक कुमार राणा द्वारा तलवार भेंट की गई। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि दिल्ली सांसद रमेश भिदुड़ी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, लोकसभा के रूप में यहाँ पर सभी लोगों को बुलाकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी के 9 साल के कार्यों को लेकर, भारत के बढ़ते हुए सम्मान को लेकर मैं केवल आंकड़ों पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझसे पहले डॉक्टर यशवंत जी ने भी आंकड़े गिनाए, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है कि हर गरीब के उत्थान के लिए, हर गरीब की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, हर नौजवान के रोजगार के लिए, हर माता बहन के सम्मान के लिए, हर देश की सीमा पर बैठे देश के सम्मान में नौजवान अपना जीवन देने के लिए तैयार है, उनके स्वाभिमान के लिए जो 9 साल में निर्णय लिए गए हैं, वो 9 साल में निर्णय लेने का कारण था आप सबका आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी को 2014 में मिला और 2019 में देशवासियों का सम्मान मिला, इसके कारण प्रधानमंत्री जी वो निर्णय लेने में सफल रहे। भाइयों बहनों, राष्ट्रीय ग्राम आजीविका मिशन के अंतर्गत ब्लॉक अलहपुर धामपुर के माध्यम से अतिथियों द्वारा 11 महिला समूह को 1,10,000 की धनराशि के चेक प्रदान किए गए, जिसमें वैभव महिला स्वयं सहायता समूह जैत्रा, सदगुरु महिला स्वयं सहायता समूह हाफिजाबाद शर्की, नारी शक्ति महिला स्वयं सहायता समूह जितनपुर, लक्ष्मी महिला स्वयं सहायता समूह हकीमपुर शकरगंज, रतनदास महिला स्वयं सहायता समूह हाफिजाबाद शर्की, कोकिला महिला स्वयं सहायता समूह अलादीनपुर भोगी, ओम महिला स्वयं सहायता समूह चक शहजानी, ओम नमः शिवाय महिला स्वयं सहायता समूह सरकथा सानी, कृष्णा महिला स्वयं सहायता समूह शालीपुर नीचल, रविदास महिला स्वयं सहायता समूह शालीपुर नीचल, महक महिला स्वयं सहायता समूह सालावा शामिल रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अरुण सिंह ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल हर दृष्टि से ऐतिहासिक रहा है और 9 वर्ष का कार्यकाल इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। 9 साल में जो काम हुए हैं, पार्टी ने यह तय किया कि जनता जनार्दन के बीच में जाकर के 9 साल के कामों को, उनके हिसाब किताब को जनता के समक्ष रखा जाए और जनता से यह कहा जाए कि उनसे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए फिर से समर्थन मांगा जाए। इसलिए पूरे देश भर में इस प्रकार से कार्यक्रम हो रहे हैं और यहां पर एक बात स्पष्ट है कि जहां जहां भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जहां जहां भी संपर्क के माध्यम से समर्थन मांग रहे हैं, चारों ओर से एक ही आवाज आ रही है कि 2024 में पहले से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे। तो कारण है 2014 के बाद जब एक ऐसा नेता देश के प्रधानमंत्री बने तो लोगों को स्पष्ट अंतर दिखने लगा, जिसकी नीयत, जिसकी सोच में बिल्कुल अंतर, उनकी सोच में यह कि किस प्रकार से हमारा गरीब खुशहाल हो, किस प्रकार से गरीबों की समस्या का समाधान करे, किसान खुशहाल हो, अनेकों वैसे कार्यक्रम लिए उन्होंने जो आज आप ध्यान करिए तो आपको स्पष्ट दिखेगा। जब उन्होंने स्वच्छता के बारे में कि मां बहनों को कभी भी शौचालय के लिए खेत में न जाना पड़े, एक तरफ तो शौचालय इज्जत घर बनवाने का काम किया, वहीं दूसरी ओर
पहली बार ऐसा हुआ होगा, पहली बार कि देश का प्रधानमंत्री झाड़ू लेकर के निकलते हैं और सड़कों पे झाड़ू लगाते हैं और लोगों को संदेश देते हैं कि स्वच्छता के लिए सभी काम करें। पहली बार ऐसा आपने देखा होगा, कोई भी देश के इतिहास में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ होगा जब मद्रास और चेन्नई में जाके रुकते हैं तो सुबह उठ करके झोला लटकाते हैं और थैली लेकर के वहां जाकर कूड़ा चुनने का काम करते हैं, कूड़ा बीनने का काम करते हैं। यह संदेश देते हैं कि सभी को स्वच्छता अभियान में काम करना चाहिए। देश के ऐसे अकेले प्रधानमंत्री है जिन्होंने कुंभ में जाकर के स्नान किया और संगम में स्नान करने के बाद, उस स्नान करने के बाद पांच वाल्मीकि समाज के जो लोग होते हैं उनको बैठाते हैं, उनका पैर धोते हैं, उनका पैर पोछते हैं। ये पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है। यह सोच बदली और इस सोच बदलने के कारण पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा हुआ। यह उनपे भरोसा लोगों का बढ़ा और तभी तो आपने देखा होगा इस सोच बदलने के कारण एक ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आह्वान करते हैं, कोरोना के संकट में यह आह्वान करते हैं कि सभी से देशवासी कोरोना से लड़ने के लिए संकल्पित हो। एक आह्वान पे 130 करोड़ देशवासी एक साथ थाली बजाने का काम करते हैं। जब कोविड संकट के दौरान उन्होंने यह आह्वान किया कि कोरोना से लड़ने के लिए सब एक साथ संकल्पित हो तो उन्होंने कहा घर के बाहर दीपक जलाइए, मोमबत्ती जलाइए और देखते देखते 130 करोड़ देशवासी एक साथ दीपक जलाने का काम किया। ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। यह नेता पे भरोसा है क्योंकि नेता ने बहुत कुछ किया तभी तो। और यह सोच जब कोविड का समय आया तो उन्होंने कहा कि कोई भी लोग, कोई भी गरीब भूखा पेट न सोए, उसको अनाज मिलनी चाहिए। लाखों करोड़ रुपए खर्च हो जाए उसकी चिंता नहीं करनी है, लेकिन सबको अनाज मिलने का काम होना चाहिए। उनके अर्थशास्त्री समझा रहे कि इसमें बहुत पैसा लगेगा, लेकिन मोदी जी ने कहा कि भाई जितना भी पैसा लगेगा वो पैसा खर्च करना है। उन्होंने संकल्प लिया और आदेश भी दिया कि 80 करोड़ देश के जो लोग हैं उनको 5 किलो अनाज मिलना चाहिए। वह आज हद तक अनाज मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोग ऐसे हैं उनको अनाज भी मिल रहा है और योगी जी उनको तेल और दाल इत्यादि देने का काम कर रहे हैं। जब कब कोविड का वैक्सीन बनी, अभी हमारे सांसद जी बता रहे थे कि किस प्रकार से कोविड की वैक्सीन बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोगों की मदद की, प्रोत्साहित करने का काम किया। ये जो वित्तीय जो सलाहकार होते हैं उन्होंने मोदी जी से कहा कि अभी तो हमने अनाज दिया है, अब कोरोना की वैक्सीन अगर मुफ्त में लगाएंगे तो इसमें भी पैसा बहुत खर्च होगा खजाने पे। तो यह नियत बदली थी, सोच बदली थी देश के नेता की जो प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कहा। एक समय हमने देखा था मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी कहते थे कि देश के संसाधनों में पहला अधिकार अल्पसंख्यक वर्ग का है, लेकिन मोदी जी ने कहा कि मैं यह मानता हूं और मैं इस बात के विश्वास करके काम करता हूं कि देश के खजाने पे पहला अधिकार किसी का है तो गरीब का, किसान का है। जितना पैसा खर्च करते हो, करना हो, करो। बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन यही है कि नेता की जब विजन, नेता की सोच बदलती है तो देश आगे बढ़ता है। आज प्रधानमंत्री जी पहली बार अमेरिका के राजकीय यात्रा पे गए, पहले भी गए, लेकिन यह उनकी सरकारी यात्रा है। सरकार ने उनको होस्ट के रूप में इस बार बुलाया है। ये भारत के लिए बहुत बड़े गौरव के विषय है, बहुत बड़े गौरव के विषय है। दोस्तों, देश का कोई भी कोना ऐसा नहीं, चाहे अरुणाचल चले जाओ, चाहे केरल चले जाओ, चाहे श्रीनगर चले जाओ, अगर वहां चर्चा चर्चा एक बात की होती है, यह होती है कि योगी बाबा ने इस प्रकार से कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में संभाल रखा है
हमारे भी मुख्यमंत्री को ऐसा संभालना चाहिए। योगी जी के धूप पूरे देश भर में हो रही है कानून व्यवस्था के नाम पर, हो भी क्यों नहीं। बहुत क्रांतिकारी धरती रही है ग्राम पजरी पैजनिया में, यहाँ पे ताकि जब यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यहाँ पे आकर के रुके थे और पूरे इतिहास में इसका गुणगान होता है। और तुलाराम के रसगुल्ले का तो पूरा हमको भी खिलाना, तुलाराम के रसगुल्ले की भी तो बहुत चारों ओर धूम है, बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत पवित्र स्थान है कई दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से। यहां से संकल्प एक ही लेके जाना है कि एक ऐसा नेता मोदी जी के रूप में मिला है जो विश्वसनीय भी है, जो लोकप्रिय भी है और जिसपे लोगों का भरोसा है और बड़े निर्णय लेने वाला नेतृत्व मिला है। और ऐसा नेतृत्व मोदी जी के रूप मिला है जो त्यागी और तपस्वी है, कोई उन पर एक रुपए का आरोप नहीं लगा है, जो उनको जन जन के जो सालों साल जो उनको गिफ्ट भी मिलता है, वो गिफ्ट का भी जो मोमेंटो मिलता है उसकी नीलामी होती है और नीलामी होने के बाद माँ गंगा के सफाई के लिए, माँ गंगा परियोजना के लिए मोदी जी देते हैं। ऐसा नेतृत्व जो त्यागी भी हो, तपस्वी भी हो, भरोसे वाला भी हो, लोकप्रिय भी नेतृत्व हो, निर्णय लेने वाला भी नेतृत्व हो, जो सर्व गुण संपन्न नेतृत्व हो, ऐसा 10-20 साल में नेतृत्व नहीं लेता, ऐसा नेतृत्व 100 साल सदियों में एक बार नेतृत्व लेता है जो मोदी जी के रूप में जन्म लिया है, जो मोदी जी के रूप में नेतृत्व हम सबको मिला है। और इसी नेतृत्व के कारण भारत आगे बढ़ रहा है, नए भारत के संकल्प को भी हम पूरा करेंगे कि जो 9 सालों में काम हुआ है उन कामों को लेकर के जाकर के लोगों से चर्चा करें, लोगों से निवेदन करें, लोगों से बात करें और 2024 के लिए फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बने और यह दोनों क्षेत्र नगीना और बिजनौर या किसी कारण से पिछली बार रह गई, उससे पहले हम जीते थे, इसलिए नगीना क्षेत्र में इस लोकसभा में जहां कार्यक्रम हो रहा है इस बार पूरी ताकत के साथ घर घर जाइए, बात करिए और इस बार नगीना से लोकसभा भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए और बिजनौर से भी लोकसभा का सदस्य भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए। अरे जब रामपुर पार्टी जीत सकती है, लोकसभा के सदस्य आ सकते हैं, तो नगीना और बिजनौर क्या है, क्या है, एक बार ताकत के साथ लग जाएंगे तो इन दोनों क्षेत्रों में पूरा संकल्प के साथ लगे दोनों क्षेत्रों के लोकसभा के सांसद अगर कोई होंगे तो मोदी जी के दूत भारतीय जनता पार्टी के इस बार लोकसभा के सांसद आने चाहिए। बताओ सब सहमत है, सहमत है, हाथ उठाओ, सहमत है, हाथ उठाओ, सहमत है ना, तो चलो वंदे मातरम के साथ हाथ उठा के संकल्प लो, वंदे वंदे वंदे। बहुत देर से आप सब बैठे हैं, इसे आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ कि हजारों की संख्या में अभी भी खड़े हैं, इतनी देर से बैठे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। कार्यक्रम के अंत में विधायक अशोक कुमार राणा ने सभी का आभार व्यक्त किया और कहा, अपने नेताजी का भाषण सुनने के लिए आप लोगों ने इस सिलसिला की गर्मी दिन में बहुत संयम से बैठने का काम किया, उस सबके लिए मैं जहाँ पे अपने अतिथियों को बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ वहाँ आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि सभी मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, मातृशक्ति, पत्रकार बंधुओं ने भी उस पूरी गर्मी का मजा हमारे साथ लेने का काम किया। साथियों अभी आदरणीय परम आदरणीय अरुण सिंह जी ने संकल्प आपसे रिवाइज दिया, मैं एक बार और निवेदन कर रहा हूं आप कि सभी लोग हाथ उठा करके सभी माता बहनों से भी निवेदन है, सभी से निवेदन है, सब हाथ उठा करके इस बात का वादा इस जगह से, इस मंच के, इस धरती से जब जाएंगे तो ये वायदा करके जाएंगे कि आपको अपना वोट ही नहीं डलवाना है, कम से कम 15-20 दिन वोट की जिम्मेदारी और ले। इस दौरान भाजपा के पदाधिकारी, सदस्य, प्रतिनिधि मौजूद रहे, साथ ही भारी संख्या में क्षेत्र की महिलाएं एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे।
और इसी के साथ जुड़ रहे हैं बंधन समाचार के साथ।